को 2 साल से। तो सर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग फिर आप लोग फिर इस सिस्टम का हिस्सा क्यों है सर? पार्लियामेंट में बैठे तो सर फिर फेस करें ना अदालतों को, सर फिर अदालतों में जाएंगे सर, आप बात सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। सर आप बात सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। एक ऐसी हुकूमत जिसकी जिसकी तश्कील दी जा रही है जिसके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है, क्या वो आपसे मुझसे किसी और से ठीक है? लेकिन आप समझते हैं कि IMF इज अ राइट फोरम, IMF इस हवाले से फोरम है कि हमें इंसाफ इंसाफ दुनिया तो नहीं देगी, यहाँ हमारे मुल्क की अदालतें हैं, हमने अपने साल में क्या हुआ है तो आप लोगों ने इस मुल्क में रहते हुए इलेक्शन लड़ा है ना, किस अदारे के पास जाएं हम इंसाफ के लिए बताइए मुझे, तो आप लोगों साल में क्या हुआ है यार? तो आप लोगों ने बात तो वही है ना कि आप लोग IMF से कह रहे हैं कि जो झरलू इलेक्शन हुआ है ये धांधली हुई है, आप इसको रिवर्स करें। आपने कहा अभी रिवर्स करें, आपने कहा अभी नहीं, हम 2 साल से रियासत का जबर सह रहे हैं, किस अदालत ने किस इंस्टीट्यूशन ने खड़े होकर इंसाफ की बात की है? इंसाफ झरलू इलेक्शन ये हुए हैं, हम साबित कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, 93-94 सीट हमारी छीनी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेयर बुखारी ने अपने शो में जब PTI के रऊफ हसन से कहा कि आपने IMF को ख़त क्यों लिखा कि पाकिस्तान को कर्ज़ा ना दिया जाए, इस पर रऊफ हसन तब गए और फिर रऊफ हसन ने नून लीग में तमाम इदारों को ऐसा नंगा किया कि मज़ा आ गया। आए पहले रऊफ हसन और मेयर बुखारी की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। बेसिकली PTI चाहती क्या है, खान साहब चाहते क्या है कि प्रोग्राम तब तक रुका रहे जब तक ये धांधली के जो केसेस चल रहे हैं इनका फैसला नहीं आ जाता, इसको मशरूत करना चाहते, क्योंकि एक तरफ कन्फ्यूजन है ना, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है इंटरेस्ट है वो चलने चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, दूसरी तरफ फिर IMF क्या करे, IMF का क्या लेना देना है इंतखाबात से? कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, IMF के प्रोग्राम को रोकने की कोई एफर्ट नहीं हो रही, लेकिन इसके साथ साथ ये जितनी भी इंटरनेशनल लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं, इनकी जो एड होती है, इनकी जो सपोर्ट होती है दैट लिंक्ड होती है डेमोक्रेसी के साथ। हम सिर्फ रिट्रेशन कर रहे हैं कि आप जब लोन दें, आप जो करें तो इंश्योर करें कि पाकिस्तान के झरलू इलेक्शंस के रिजल्ट्स को रिवर्स किया जाए और एक मैंडेटेड हुकूमत जो है वो यहाँ ली जाए। अगर आप मेरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे डिटेल में जो आएगी, उसमें मैंने कहा है कि जब IMF का प्रोग्राम आता है तो उसमें लाजमी बात है कंडीशनैलिटीज होती है और वो रेगुलराइजेशन ऑफ इकॉनमी जो है पाकिस्तान में उसकी नीड भी है, जरूरत है, लेकिन उसका बोझ सारा जो है वो गरीब को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि गरीब का जो है, आवाम का जो है, उसको उसके मैंडेट जो है। देखिए बात तो वही है ना कि आप लोग IMF से कह रहे हैं कि जो झरलू इलेक्शन हुआ है ये धांधली हुई है, आप इसको रिवर्स करें, तो बात यह है कि क्या आप समझते हैं कि IMF का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रही हैं? आपने कहा अभी कि रिवर्स करें, आपने कहा अभी नहीं, मैंने रिवर्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ये कहा है कि जो उनकी कंडीशनैलिटीज होती हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के साथ होती हैं, लिंक डेमोक्रेसी के साथ होती हैं, तो उस सिलसिले में वो प्रेशर अगर एग्जर्ट कर सकते हैं या इसको इंश्योर कर सकते हैं, उनकी रीएश्योरेंस थी हमें जब हमने एग्री किया था पहली ट्रांच के लिए और सेकंड ट्रांच के लिए, हम सिर्फ उसको रीइन्विगरेट कर रहे हैं कि जी उसको वो आप फैक्टर है उसको सामने लाएं और उसके बाद आगे बढ़ें। हम उठा रहे हैं जमहूरियत का मामला, हम उठा रहे हैं अवाम के मैंडेट का मामला, हम उठा रहे हैं ह्यूमन राइट्स का मामला, ठीक है? लेकिन आप समझते हैं कि IMF इज अ राइट फोरम, IMF इस हवाले से फोरम है कि वो इंतखाबात को लेकर, धांधली को लेकर वो इन मामलात को निपटाए, इलेक्शन कमीशन है, अदालतें हैं, यहाँ ट्रिब्यूनल्स हैं, तो IMF ही क्यों? देखिए बीबी, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन नाम की, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, हम 2 साल से भुगत रहे हैं, हम 2 साल से रियासत का जबर सह रहे हैं, किस अदालत ने किस इंस्टीट्यूशन ने खड़े होकर इंसाफ की बात की है, इंसाफ को अपहोल्ड किया है? मेरी बात हम बात करते रहते हैं कि अदालत के है तो वो है, मुझे बताइए आप, मैं किस अदालत ने, मैं बताती हूँ, किस इलेक्शन कमीशन ने खड़े होके इंसाफ के तकाजों को पूरा किया है? 2018 में जब इलेक्शंस हुए, 2018 सुन लेना, आज के इलेक्शन सर सुन ले, सर सुन ले, की बात कर रहा हूँ, तब भी धांधली प्री पोल रिगिंग की बात भी सुन ले सर, सर मैं आपको इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इसको आगे सर आप बात सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, सर आप बात सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। 2018 में जब कहा गया प्री पोल रिगिंग हुई है, हकीकत का सामना नहीं, उसके बाद सुन लेना, बात को डाइल्यूट करने की, सर डाइल्यूट करने की बात नहीं है, डाइल्यूट करने की बात नहीं है, बात यह है कि इससे पहले जब धांधली के इल्जाम लगते रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब ने
या किसी और पार्टी ने क्या आईएमएफ से ऐसा कोई मुतालबा किया, बल्कि उस वक्त तो असेंबली में खड़े होकर मिसाके जमहूरियत की उन्होंने बात की थी, क्या है मिलकर मैशियत को लेकर चलते हैं। बात यह है कि पीटीआई पर भी धांधली के इल्जाम लगे थे, प्री पोल रिगिंग के इल्जाम लगे थे। बात यह कि इससे पहले कभी किसी सियासी जमात ने ये मुतालबा किसी बाहर के इदारे से नहीं किया। कहना कि जी प्री पोल रिगिंग के इल्जाम थे वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड थे। जर्लू इलेक्शन ये हुए हैं, हम साबित कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं। 93-94 सीट हमारी छीनी गई है। बात इस पर होनी चाहिए, बात आज पर होनी चाहिए। आज इलेक्शन के इलेक्शन इस इलेक्शन का एक ऐसी हुकूमत जिसकी तश्कील दी जा रही है जिसके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है। लेकिन झरलू हुकूमत लेकिन है। लेकिन हमें इंसाफ इंसाफ दुनिया तो नहीं देगी। यहाँ हमारे मुल्क की अदालतें हैं, हमने अपने यहाँ के अदारे कहाँ है, यहाँ के अदारे किस अदारे के पास जाए हम इंसाफ के लिए, बताइए मुझे। तो आप लोगों दो साल में क्या हुआ है यहाँ? तो आप लोगों ने दो साल में क्या हुआ है? तो आप लोगों ने इस मुल्क में रहते हुए इलेक्शन लड़ा है ना? आपने कोई पाकिस्तान से बाहर से इलेक्शन नहीं लड़ा? तो अगर आपने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा है तो आप लोगों की जो शिकायत है वो इस मुल्क के इदारों से होगी ना? जिस हालात में इलेक्शन लड़ा है वो हम जानते हैं, वो आपको भी नजर आता है, शायद आप बयान ना कर सके बीबी। सर हमने बहुत बयान किया है, हमने तो बर्दाश्त किया है उसको दो साल से। तो सर आप लोग क्या करते हैं, कहां जाएं? आप लोग फिर इस सिस्टम का हिस्सा क्यों है सर? अगर आप लोगों को इस मुल्क के सिस्टम पर इतना बिलीव नहीं है, हम पार्लियामेंट में बैठे सर फिर फेस करें ना अदालतों को, सर फिर अदालतों में जाए ना। हम जा रहे हैं ना जी, जाएंगे इसके बावजूद के इंसाफ हमें नहीं मिला, हम जाते रहेंगे। किसने कहा है हम अदालतों में नहीं जाएंगे? तो सर जाए ना तो किसने कहा है हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे? पैरेलल फिर आईएमएफ को क्यों दावतें दे रहे हैं जब अमेरिका को आप लोग कह रहे थे कि अमेरिका ने आप लोगों को हिस्टोरिकल उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है, आप भूल जाती हैं। सर आपके जो लोग हैं कल कुछ कह रहे थे आज कुछ कह रहे हैं, कल गौर कुछ कह रहे हैं, एक ही बात हुई है, सिर्फ एक ही बात हुई है, कोई दूसरी बात नहीं हुई। अभी अली जफर साहब कह रहे थे जब उनसे पूछा गया कि कल तो आप लोग ये कह रहे थे कि खत लिख रहे हैं हम लोग, ये आप लोगों का कॉन्टेक्ट होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो बिल्कुल अपनी बात से बिल्कुल फिर गए। उन्होंने कहा नहीं हम चाहते हैं, कल वो कह रहे थे कि हम इसको नथी करेंगे, हम इसको मशरूत करेंगे। आप कल की उनकी स्टेटमेंट निकाल के देख रहे हैं और आज उन्होंने 8 बजे एक प्रोग्राम में ये बात की है कि नहीं हम चाहते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम चलना चाहिए लेकिन हम खत भी लिखेंगे। देखिए मैंने आज सुबह आपको मैं 3-4 दफा कह चुका हूँ, मैंने सुबह आज उनकी एक स्टेटमेंट हमारे मीडिया डिपार्टमेंट से रिलीज हुई थी, उसमें हमने अपनी पोजीशन को वाजिया किया था। सर जो 3 मार्च चले हैं उसकी ठीक है, आपके जो 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर अली को क्यों इस ओहदे के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, क्योंकि क्या ये बात दुरुस्त है जो मरवत साहब कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है? अभी बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे थे कि कारकर्दगी उनकी अच्छी थी, उनको ही होना चाहिए, मैं बड़ा मसरूफ हूँ, अदालतों में केसेस इतने ज़्यादा हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि बैरिस्टर गौहर को ही चेयरमैनशिप के लिए नॉमिनेट होना चाहिए। ये फैसला जो है जी वो अली जफर साहब ने अपनी कुछ रिजर्वेशंस दी हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पास केसेस बहुत ज्यादा है और मैं ये जो फुल टाइम जॉब है पार्टी की लीडरशिप को कैरी फोर्थ करना। नाज़रीन आपने मेयर बुखारी और रऊफ हसन की गुफ्तगू सुनी। मेयर बुखारी ने जब रऊफ हसन से कहा कि आप आईएमएफ को खत क्यों लिख रहे हैं और आईएमएफ को इस बात पर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे, इस पर रऊफ हसन ने कहा कि हमने आईएमएफ से ये बिल्कुल नहीं कहा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, बल्कि हमने तो आईएमएफ के सामने अपनी कुछ शरायत रखी हैं और उनको हकीकत बताई है कि मौजूदा हुकूमत अवाम का मैंडेट चोरी करके आई है, आप शफाफ तहकीकात कराएं। इस पर मेयर बुखारी ने कहा कि आईएमएफ का फोरम इसलिए है कि वो हमारे इंतखाबात को शफाफ कराएँ, इसके लिए आपके पास इदारे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन है, अदालतें मौजूद हैं, आप अदालतों में जाएं। जिसके जवाब में रऊफ हसन ने मेयर बुखारी से बिल्कुल ठीक कहा कि कौन सी अदालतें, कौन सा इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान में किसी भी अदारे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, सब इदारे बिक चुके हैं, अदालतें हमें कौन सा इंसाफ दे रही हैं, हमें अदालतों से बिल्कुल भी इंसाफ की तवक्को भी नहीं है, और कौन सा इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जिसने हमसे बल्ले का निशान तक छीन लिया वो हमें इंसाफ फराहम करेगा? इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इलेक्शन कराना होता है, वो तो वो करा नहीं सका, हमें वो क्या इंसाफ फराहम करेगा? और जब हम अदालतों के पास इंसाफ लेने के लिए जाते हैं तो हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि सबूत लेकर आएं,
जबकि पूरी दुनिया में तमाम मालिक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, मगर हमारे चीफ जस्टिस को इसके लिए सबूत चाहिए। नाज़रीन, आप अपने इदारों के मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।